वेलकम टू पूजास किचन। आज हम बनाने सीखेंगे चिया पुडिंग। तो इसके लिए हम लेंगे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जार, जिसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून चिया सीड्स। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप ऑफ मिल्क। तो दूध जो है वो ना गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा, रूम टेम्परेचर पर रहना चाहिए। उसको 5 मिनट के लिए हम बाहर ही रहने देंगे, फिर हम उसको रेफ्रिजरेट कर देंगे कम से कम 8 से 10 घंटे। तो देखिए चिया सीड्स 8 घंटे बाद एकदम फूल गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ फ्रूट्स, तो आप अपनी चॉइस के फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्लाइस कर लेंगे बनाना, तो बनाना के पतले पतले स्लाइसेस करने हैं और इसको हम चिया सीड्स के ऊपर रख देंगे बनाना स्लाइसेस को। चिया सीड्स खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लो होता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल होता है। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन है या एंजाइटी है तो उनको चिया सीड्स खाने चाहिए, और ये हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप डाल लीजिए हनी। तो हमने 2 टेबलस्पून हनी डाला है। अगर आप डाइट पे हैं तो आप हनी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको हनी पसंद नहीं तो आप धागे वाली मिश्री भी पीस के डाल सकते हैं। अब हम ले लेंगे चेरीज़। तो चेरीज़ के हमने सीड निकाल लेने, क्योंकि हमें पता है कि सीड चेरी के बहुत ही हार्मफुल रहते हैं। तो इसके सीड निकाल के हम थोड़ी सी चेरीज़ भी इसके ऊपर डाल देंगे। आप अपनी चॉइस के ही फ्रूट्स डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यही फ्रूट्स डालने, जो आपको अच्छे लगते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। तो अब हमने कुछ चेरीज़ इसके ऊपर लगा देनी है। चेरीज़ विटामिन सी में बहुत ही रिच होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स में, तो इसको खाने से हमारा हार्ट बहुत हेल्दी रहता है। अब हम ले लेंगे थोड़े से आलमंड्स और उनको बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे। और ये भी हम अपने पुडिंग के ऊपर डाल देंगे। अब हम ले लेंगे इसके बाद एक चीकू, अच्छे से वॉश करके उसके हम पील्स निकाल लेंगे और उसके वो भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। चीकू विटामिन ए और सी में बहुत ही रिच है और ये हमारे डाइजेशन इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। इसका भी सीड हमने निकाल लेना है चीकू का, और फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। और वो भी हम ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए हमारा चिया पुडिंग तैयार है। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है और बहुत से न्यूट्रिएंट्स हमें इससे मिलेंगे। तो ये कंप्लीट हमारा मील बन गया है। आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस भी है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।